हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हम लोग जुरिस्प्रूडेंस को कवर कर रहे हैं तो आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्रॉपर्टी एंड कौन सा मोड्स है एक्वायर करने के लिए एंड प्रॉपर्टी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक एक चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टी वर्ड जो है, जो हमारा लैटिन लैंग्वेज है, प्रोपरिएटाट से लिया गया है। किससे लिया गया है? प्रोपरिएटाट से। ये हमारा लैटिन लैंग्वेज से प्रॉपर्टी वर्ड निकल के आया है, जिसको हम लोग हिंदी में संपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग इसे संपत्ति कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर जो है प्रॉपर्टी होती क्या है। प्रॉपर्टी हम उसे ही कहते हैं जिसके ऊपर मेरा जो है कब्जा होता है। क्या होता है? कब्जा होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जिसके ऊपर जो है हमारा जो है एक्सक्लूसिव राइट होता है। क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा ऐसा राइट्स होता है कि उसके ऊपर जो है समाज या कानून भी जो है दावा नहीं ठोक सकता है। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि मोनोपोली होता है, मीन्स कि मेरा जो है एक मोनोपोली होता है या फिर मेरा ओनरशिप होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि प्रॉपर्टी जो है उसको मैं बाद में उसको डिस्कशन करूंगी कि कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट है। ओके, रिमोट के एग्जाम्पल वे से मैं समझा रही हूँ। ये रिमोट है, रिमोट जो है मेरा है, इसके ऊपर मेरा जो है पोजेशन है, कब्जा है मेरा। इसके ऊपर क्या है? मेरा जो है ओनरशिप है। इसके ऊपर जो है मेरा एक्सक्लूसिव राइट है। इसके ये मेरा मोनोपोली है, मींस कि ये मेरा क्या है, एक तरीके से कहा जाए तो ये मेरा एकाधिकार है। इसके ऊपर जो है समाज या फिर विधि भी, मान्यता प्राप्त होकर भी वो हमें समाज और विधि से, मींस कि समाज मींस कि सोसाइटी और जो लॉ है उससे मुझे प्रोटेक्ट करता है। ओके, हमारा जो है रिमोट हम किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि ये मुझे समाज और लॉ से भी प्रोटेक्ट करता है। यही हमारा जो है प्रॉपर्टी है। ओके, इतना तक आपको क्लियर हुआ? अब हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टी को आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी जो है पहले क्या था। आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 31 में इसे जो है फंडामेंटल राइट्स को बताया गया था कि प्रॉपर्टी जो है, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी जो है हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स है। ओके, लेकिन क्या हुआ कि जैसे कि रेलवे बनानी हुई, रेलवे की लाइन बनानी हुई, रेलवे की लाइन बनाने के लिए प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ने लगी लोगों को, तो फिर क्या था कि लोग कहते थे कि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है, मैं प्रॉपर्टी क्यों दूँ। तो क्या हुआ कि इसके बाद जो है हमारे सरकार के द्वारा 1978 में 44 अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया कि फंडामेंटल राइट्स से प्रॉपर्टी राइट्स को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बना दिया गया। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बना दिया गया। आर्टिकल 300A में इसे ले जाया गया। ओके, यहां तक क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं कि एक तरीके से कहा जाए तो प्रॉपर्टी जो है टू टाइप्स होती है, मूवेबल एंड इमूवेबल। लेकिन हम आपको चार तरीके से इसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं। आपको पता है कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो है कहीं पर भी नहीं दी गई है। सेल ऑफ गुड्स मैंने आपको पढ़ा दी, एक्ट पढ़ा दी, इसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा दी, जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट, कहीं पे भी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया है। बस यही चीज कहा गया है कि मूवेबल के अंतर्गत कौन सी आती है एंड इमूवेबल के अंतर्गत कौन सी आती है प्रॉपर्टी। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं कि जो फोर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी थी उसके अंतर्गत जो पहला है आपका कॉर्पोरियल। ओके, कॉर्पोरियल के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मूर्त, जिसे हम लोग छू सकते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं। ओके, वो हमारा हो जाएगा कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा लैंड हो गया, इसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि हमारा जो है कोई भी हाउस हो जाता है, या फिर कोई नदी हो जाती है, या फिर कोई भवन हो जाता है, या पुस्तक बर्तन ये वो वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ हैं जिसे हम लोग देख छू सकते हैं, ये आपका कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी हो जाती है। एंड इन कॉर्पोरियल के अंतर्गत जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, वो आ जाता है इन कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। जैसे कि कॉपीराइट हो जाता है, ट्रेडमार्क हो जाता है, इजमेंट हो जाता है, ये सब हमारा इन कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी हो जाता है। ये फर्स्ट हो गया टाइप्स के अंतर्गत। सेकेंड है आपका मूवेबल एंड इमूवेबल।
मूवेबल के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए, मैम ने मूवेबल एंड ई मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत वीडियो बना चुकी हूँ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपको पता होना चाहिए कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत बताया गया है कि कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी है और कौन सी ई मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत लैंड से रिलेटेड जितने भी सॉरी ई मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत लैंड से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो आपका ई मूवेबल प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, जो और जो लैंड से रिलेटेड नहीं होते हैं जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जो है हम लोग ले जा सकते हैं, वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। ये आपका हो गया सेकेंड टाइप्स। एंड थर्ड हो जाती है आपका जिसे हम लोग इंग्लैंड में हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में इसे इस संपत्ति को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इसे हम लोग रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, रियल को हम लोग जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे एंड पर्सनल को मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखा गया है। कि जैसे कि भूमि संबंधी जो भी लैंड संबंधी जो भी अधिकार हो जाते हैं वो रियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं एंड जो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आपका हो जाता है पर्सनल प्रॉपर्टी। ये आपका इंग्लैंड में इसको डिफाइन किया गया है, इसको इंडिया में ज़्यादा नहीं बताया गया है। एंड फोर्थ आपका हो जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, अब मैंने पहले ही आपको बता दी कि जिसके ऊपर हमारा जो है पोजिशन ओनरशिप, जिसके ऊपर हमारा एक्सक्लूसिव राइट है वो हमारा हो जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। एंड पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि रेलवे पब्लिक प्रॉपर्टी है लेकिन अभी लोग क्या है कि उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने में चले गए हैं। एंड हमारा जो है बैंक कंपनीज हो जाते हैं वो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके ऊपर हम नहीं बोल सकते हैं कि ये पंजाब नेशनल बैंक मेरा है, बैंक ऑफ इंडिया मेरा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा है, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे कि एक केस था सचिव सूचना वर्सेस प्रसार मंत्रालय सॉरी सचिव सूचना एंड प्रसार मंत्रालय वर्सेस बंगाल क्रिकेट संघ AIR 1995 सुप्रीम कोर्ट 1236 के केस में बताया गया है कि जो हमारा जो एरोप्लेन है या फिर एयरलाइन जो है वो क्या है कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। हम जानते हैं कि एयरलाइंस भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो हम लोग ने चार टाइप से जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग ने समझ लिया। अब चलते हैं कि कैसे जो है प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाता है, मीन्स कि वायरस मोड्स ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। चार तरीके से हम लोग जो है प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। पहला हो जाता है पोजीशन। पोजीशन अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो ये हमारा प्रॉपर्टी जो है एक्वायर हो जाएगा, ओके। एंड सेकंड हो जाता है प्रिस्क्रिप्शन, मीन्स हो जाता है कि आपका चिर भोगाधिकार जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। जैसे कि क्या होती है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है 12 ईयर से अधिक जो है क्या करते हैं उसके ऊपर बने रहते हैं, मींस कि बने रहते हैं उसके ऊपर पोजीशन लिए रहते हैं, भले ही किसी और की प्रॉपर्टी हो लेकिन 12 ईयर से अधिक जो है 12 ईयर से अधिक जो है उसके ऊपर पोजीशन लिए रहते हैं, तो हम क्या है कि उस प्रॉपर्टी के स्वामी बन जाते हैं, उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप हमें मिल जाता है। एंड जो वास्तविक स्वामी है मीन्स कि वास्तविक जो ओनर है रियल ओनर है उसका जो है ओनरशिप जो है खत्म हो जाता है, यही आपका प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत बताया गया है, ओके। एंड जैसे इजमेंट एक्ट के अंतर्गत 20 ईयर से अधिक जो है हम क्या करते हैं किसी की सूर्य की प्रकाश हो जाती है, ये फिर बिना रुकावट के हम रास्ता उपयोग करते हैं, राइट ऑफ वे यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारा जो है प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत वो हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है, ओके। ऐसे हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। एंड थर्ड हो जाता है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है दो तरीके से किया जा सकता है, एग्रीमेंट के माध्यम से एंड ग्रांट के माध्यम से। इस तरीके से भी हम जो है किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं एग्रीमेंट के माध्यम से भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है हम कोई भी प्रॉपर्टी का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है एक तरीके से एक्सेप्शन हो सकता है, तो हमारा थर्ड जो पॉइंट आ जाता है आपका एग्रीमेंट। एंड फोर्थ पॉइंट हो जाता है इनहेरिटेंस, जिसे हम लोग उत्तराधिकार भी कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ सक्सेशन भी कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि 2005 में
किसी भी महिला को क्या है सेक्शन 6 के अंतर्गत, जो हिंदू हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत किसी भी महिला को जो है पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलता है, तो ये भी हमारा जो है कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का एक तरीके का मोड्स है। ओके एंड अब आपको मैं बता दूँ कि जैसे कि कोई प्रॉपर्टी जो है वसीयत के बिना कोई भी व्यक्ति जो है मर जाता है, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो है उनके जो इनहेरिट हैं, उनके जो एयर्स हैं, उन्हें ही प्राप्त होगी। यही आपका इनहेरिटेंस के अंतर्गत बताया गया है कि कैसे कैसे हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। एंड हमारा हो जाता है कि जैसे कि हमारा जो मिथाक्षरा जो है उसमें 5